चलिए आगे बढ़े। सो इंदिरा के कार्यकाल के दौरान जो सबसे प्रमुख चीजें या जो सबसे प्रमुख बदलाव हमें देखने को मिला है कि आदर्शवादी विदेश नीति से हम यथार्थवादी विदेश नीति की ओर बढ़े। दूसरी चीज, इंदिरा के कार्यकाल के दौरान जो दूसरा सबसे प्रमुख बदलाव हमें देखने को मिला कि भारत का जो दृष्टिकोण है वो वैश्विक दृष्टिकोण से परिवर्तित होकर क्षेत्रीय दृष्टिकोण में शामिल हो गया। इसका मतलब अब इंदिरा ज्यादा ध्यान कहां देगी? भारत और उसके पड़ोस में, ठीक है। और इसी कार्यकाल में सबसे पहला जो मौका कह लो या सबसे पहला जो अवसर होगा या जो परेशानी भारत के समक्ष आएगी वो है 1969 में, ठीक है, जब पाकिस्तान में चुनाव होंगे। ठीक है, अब पाकिस्तान के चुनावों का प्रभाव भारत पे पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के चुनाव में जो दो प्रमुख पार्टियां थी उसमें से जो बहुमत मिलेगा वो मिलेगा अवामी लीग को, ठीक है। और इस अवामी लीग का वर्चस्व मुख्य रूप से होगा कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान में। जहां पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग सारी सीटें हथिया लेगी, सारी सीटों पर कब्जा जमा लेगी, और पश्चिमी पाकिस्तान में भी अवामी लीग निश्चित संख्या में मत प्राप्त करेगी, जिससे पूरी पाकिस्तान में जो बहुमत होगा वो किसे मिलेगा? अवामी लीग को। अब कायदे से इस चुनाव के पश्चात सरकार किसके हाथ में आनी चाहिए? अवामी लीग के हाथ में। और अवामी लीग के जो नेतृत्व करता है, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, ये बनने चाहिए पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान, ये बनने चाहिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। बट उस समय के पाकिस्तान के जो शासक रहे हैं, मुख्य रूप से जो सैन्य कमांडर थे याह्या खान, वो पूरी तरीके से इस बात से सहमत थे कि पाकिस्तान की बागडोर ऐसे किसी भी बंगाली को नहीं दी जानी चाहिए। थे वो पाकिस्तानी ही, बट कौन से पाकिस्तानी? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान ना होने से ज्यादा बंगाल ज्यादा था, ठीक है। उनके लिए पूर्वी पाकिस्तान के मुस्लिम भी, ठीक है, मुस्लिम ना होके बंगाली मुस्लिम है। इसका मतलब पूर्वी पाकिस्तान को कभी भी पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, एक तरीके से अधीनस्थ वाले दर्जे में रखा गया। इस स्थिति में 1969 के बाद पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति नियंत्रण से बाहर होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जब अवामी लीग को सत्ता नहीं मिलेगी तो अवामी लीग क्या शुरू कर देगा बेटा? आंदोलन। और यह आंदोलन कौन सा होगा? स्वतंत्रता आंदोलन। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध, ठीक है। मतलब अब क्या होगा? पूर्वी पाकिस्तान चाहेगा कि वो पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो जाए, ठीक है। इंदिरा इस दौरान, ठीक है, शुरुआत में स्थिति का जायजा लेगी और स्थिति का जायजा लेने के बाद निकल जाएगी अमेरिका, ठीक है। मतलब हालत यहां खराब है, इंदिरा गांधी पहुंचेगी अमेरिका। क्यों? क्योंकि भारत के लिए विकासात्मक अनुदान की आवश्यकता है, भारत में खाद्यान्न संकट है, उस खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए भारत को अनुदान की आवश्यकता है, खाद्यान्न चाहिए, और वो हमें खाद्यान्न कहां से मिलेंगे? अमेरिका से, राइट। ये आधिकारिक था।
वास्तव में इंदिरा गांधी पहुंची थी भारतीय महाद्वीप की स्थिति से अवगत कराने अमेरिका को कि अगर किसी भी तरह की स्थिति नियंत्रित से बाहर होती है और अगर वहां पर भारत के हितों पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उस स्थिति में भारत हस्तक्षेप करने से परहेज नहीं करेगा। ये साफ साफ संदेश दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को, ठीक है। और लौटते हुए इंदिरा गांधी वहां से पहुंच गई रूस, ठीक है। और जब रूस पहुंची तो 1971 में भारत और रूस के बीच मित्रता समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इस मित्रता समझौते में यह कहा गया कि भारत और रूस दोनों ही आक्रमण की स्थिति में जो जवाबी कार्रवाई होगी उस पर एक दूसरे से चर्चा करेंगे। कहने को ये मित्रता संधि थी बट कहीं ना कहीं इस संधि के पीछे का जो उद्देश्य था वो एक दूसरे के साथ मिलकर रणनीतिक कार्रवाई निर्धारित करना था कि कैसे जवाबी हमला करना है किसी भी इस युद्ध की स्थिति में। तो कहीं ना कहीं इस पर आरोप भी लगे हैं कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता का त्याग कर दिया गया है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता में क्या कहा है, किसी भी तरह का सैन्य समझौता नहीं होगा, ठीक है। बट यहां पर क्या लिखा गया है, जवाबी कार्रवाई साझा करेंगे या मिलकर निर्धारित करेंगे। तो ये कहा जाता है कि भारत ने 1971 में अपनी गुटनिरपेक्षता छोड़ दी, बट इसको जवाब भी दिया जा सकता है कि यह केवल एक मित्रता समझौता था, कार्रवाई के लिए सलाह ली जाएगी ना कि कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। ये आधिकारिक रूप से इसको बचाने के लिए वक्तव्य हो सकता है। बट समझिएगा 1969 के बाद जो स्थितियां खराब हो रही है पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है, उसके लिए भारत प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को बता चुका है कि क्या स्थिति है, रूस को बता चुका है क्या स्थिति है, और यह भी कह चुका है साफ साफ शब्दों में कि अगर किसी भी तरीके से भारत पर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है तो भारत हस्तक्षेप करेगा, राइट। ये सब विश्व को बता दिया और जाने से पहले सेना को बोल के गई थी कि तैयार रहना, युद्ध हो सकता है, ठीक है। और इंदिरा गांधी के माध्यम से ही, ये लिखना नहीं है ये बात, ठीक है, अब जो बोलने वाला हूं, इंदिरा गांधी के माध्यम से ही सेना के द्वारा ये जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था मुजीबुर रहमान का, ठीक है, इसके लिए इन्होंने अपनी एक सेना भी बनाई थी जिसे कहा गया था मुक्ति वाहिनी। इस मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रही थी। इसके पास हथियार भारत से जा रहे थे, लिखने की बात नहीं है, ठीक है। और भारतीय सेना पूरी तरीके से मुक्ति वाहिनी का समर्थन कर रही थी, डन। ये सिनारियो था। तो ऐसी स्थिति में जब रूस के साथ हम मित्रता कर चुके, अमेरिका को स्थिति से अवगत करा चुके, भारत तैयार है पूरी तरीके से युद्ध के लिए और मुक्ति वाहिनी का समर्थन करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को गुस्सा आएगा, ठीक है। पाकिस्तान क्या करेगा, अवामी लीग का और क्रूरता से दमन करेगा, भारत और ज्यादा सहायता करेगा मुक्ति वाहिनी की। तो भारत को कमजोर करने के लिए 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान इस सोच के साथ कि अगर पाकिस्तान पश्चिम से भारत पर हमला करता है, ठीक है, तो भारत के लिए दो तरफा युद्ध हो जाएगा, इधर भी लड़ना पड़ेगा भारत को, उधर भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और भारत को कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत पे युद्ध घोषित कर दिया गया, तीसरा युद्ध, ठीक है। बट मैं पहले ही बताया भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार थी। परिणाम ये निकला कि 13 दिन पश्चात ही 16 दिसंबर को 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, विश्व इतिहास में चलने वाले सबसे छोटे युद्धों में से एक है ये 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध जो सिर्फ 13 दिन चला।
ठीक है। और इस 13 दिन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर हरा दिया। परिणाम ये निकला कि विश्व मानचित्र पे एक नए देश का उदय हुआ जिसे कहा गया बांग्लादेश, ठीक है। और इस बांग्लादेश के उदय से भारत की एक समस्या खत्म हो गई, और वो समस्या क्या थी? पाकिस्तान। आधी तो खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि पहले इधर भी पाकिस्तान था, इधर भी पाकिस्तान था, जिधर देखो पाकिस्तानी नजर आ रहा था। अब कम से कम पाकिस्तान एक ही तरफ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान नहीं है। और जब शेख मुजीबुर रहमान को भारत का समर्थन मिलेगा बांग्लादेश के निर्माण में, तो शेख मुजीबुर रहमान भारत के समर्थन में आएंगे या भारत के विरोध में आएंगे? भारत का मित्र बन जाएगा बांग्लादेश। तो भारत को बांग्लादेश की तरफ से कोई चिंता की जरूरत है क्या? नहीं। मतलब अब भारत को पूरे तरीके से ध्यान किधर देना है? इस तरह, ठीक है। तो ये वो पहला घटनाक्रम था जो इंदिरा के शासनकाल के दौरान हुआ था, जो ये बताता है कि इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल रहा है वो यथार्थवाद से भरा हुआ है, ठीक है। सोची समझी रणनीति के माध्यम से इंदिरा ने न केवल स्थिति को नियंत्रित किया, साथ ही साथ विश्व को भारत के विरुद्ध होने से रोक भी दिया। अगर वहीं इंदिरा नहीं बताती कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है दक्षिण एशिया में, विश्व को विश्वास में नहीं लेती, तो शायद भारत पे प्रतिबंध लगाए जाते, राइट? इसीलिए ये कह सकते हैं कि यथार्थवादी विचारधारा के साथ भारत की विदेश नीति का निर्माण होना शुरू हो गया था। डन, लिख लिए या लिखना है? लिखना है, लिखो। उन्नीस सौ साठ के दशक के अंत में पाकिस्तान में हुए चुनावों के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में राजनैतिक स्थिति अनियंत्रित होने लगी परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में पाकिस्तानी शरणार्थी भारत में प्रवेश करने लगे। एवं भारत के लिए इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया। ठीक है। एवं 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत पर युद्ध घोषित किए जाने के बाद भारत इस घटनाक्रम में सक्रिय रूप से भागीदार बन गया। इससे पूर्व भारत
इससे पूर्व भारत केवल वैचारिक रूप से समर्थन प्रदान कर रहा था। इससे पूर्व भारत केवल वैचारिक रूप से समर्थन प्रदान कर रहा था। हम ये बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे कि भारत समर्थन कर रहा था, सिर्फ वैचारिक रूप से हम साथ दे रहे थे। हमने कोई मदद नहीं की, मुक्तिवाही नहीं की, हमने कोई मदद नहीं की आम आदमी लीग की, हमने कोई हथियार नहीं दिए, हमने अपनी सेना को भी नहीं भेजा, हमने शामिल ही 3 दिसंबर के बाद हुए। ठीक है, यही लिखा जाएगा, हाँ, क्योंकि हमारा कोई हाथ नहीं है। डन। 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को युद्ध समाप्त हुआ और बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का उदय हुआ। बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का उदय हुआ। ठीक है, ये तो हुआ एक मुद्दा। दूसरा जो संकट था भारत का इस क्षेत्र में, वो था श्रीलंकाई संकट। ठीक है, श्रीलंका का जो संकट था वो केवल इंदिरा के कार्यकाल का संकट नहीं था, ये इंदिरा के पहले का भी संकट था। ठीक है, इस संकट को भारत ने नेहरू के कार्यकाल के दौरान भी देखा, शास्त्री के कार्यकाल के दौरान भी देखा, बट इंदिरा के कार्यकाल के दौरान ये संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बट इस संकट को सुलझाने में इंदिरा सफल नहीं हो पाई, या ये कहा जाए कि इससे पहले कि इस संकट को लेकर इंदिरा कुछ करती, इंदिरा की हत्या कर दी गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि श्रीलंका के साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा था बेटा, वो था तमिल मुद्दा। ठीक है, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, तमिल लोग निवास करते हैं। ठीक है, जिनका प्रमुख धर्म हिंदू धर्म है, वहीं पर श्रीलंका की जो प्रमुख धर्म है वो है बौद्ध धर्म, और जो प्रमुख प्रजाति है जो श्रीलंका में रह रही है वो है सिंहाला। ठीक है, और सिंहाला जो राजनीतिक रूप से प्रभुत्व संपन्न है, वो श्रीलंकाई तमिल को श्रीलंका के लोग नहीं मानती। उनके अनुसार तमिल्स जो श्रीलंका में है वो श्रीलंका के नहीं है, वो कहाँ के हैं? भारत के। और सच्चाई भी यही है कि ये तमिल भारत से बसाए गए थे श्रीलंका में, किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा, मजदूरों के रूप में, क्योंकि वो उत्तरी क्षेत्र जो श्रीलंका का है वो पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्रों में बागानी फसलें होती हैं, कॉफी, चाय, रबड़, और इन बागानी फसलों में अत्यधिक मजदूरों की आवश्यकता है, और ये मजदूर कहाँ से मिलेंगे? भारत से। तो भारत से लेकर बसाए गए वहां पर। बट ये जो श्रीलंकाई तमिल थे, ये पीढ़ियों से वहीं रहते आ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उन्हें वहीं का नागरिक बनना पड़ेगा, बट श्रीलंका उन्हें मानने को तैयार नहीं था। तो कुल मिला के कुछ 10 लाख लोग ऐसे थे जो ना तो भारत के निवासी थे, ना तो भारत के नागरिक थे, ना ही श्रीलंका के नागरिक थे। नेहरू के कार्यकाल में इन 10 लाख लोगों में से 6 लाख लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। 5 लाख भारत ने अपनाए, 1 लाख श्रीलंका ने अपनाए, पर 4 लाख लोग फिर भी अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका कोई राज्य नहीं है। उन 4 लाख लोगों को शास्त्री के कार्यकाल के दौरान उन पर निर्णय लिया गया, 2 लाख भारत ने अपनाए, 2 लाख श्रीलंका ने। तो कुल मिला के वो जो 10 लाख तमिल थे जो राज्य विहीन थे, उनमें से 7 लाख लोग भारत में शामिल हुए, भारत ने उन्हें अपना लिया, और 3 लाख लोगों को श्रीलंका ने नागरिकता प्रदान कर दी। ठीक है, तो ये तो हुआ उन लोगों के बारे में जिन्हें नागरिकता मिल गई। बट नागरिकता मिलना
संकट का हल नहीं था। क्यों? क्योंकि नागरिकता मिलने के बावजूद भी इन तमिल लोगों को श्रीलंका में बराबरी के अधिकार नहीं दिए गए, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। ये उसके बाद भी दूसरे दर्जे के नागरिक ही थे, ठीक है ना। तो राजनीतिक समानता थी, और इस राजनीतिक समानता के ना होने की वजह से इन श्रीलंकाई तमिल द्वारा श्रीलंका में ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और इसके लिए इन्होंने अपना एक संगठन भी बना दिया, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसे हिंदी में लिट्टे कहा जाता है, ठीक है। और इस लिट्टे के माध्यम से श्रीलंका में ही एक हिंसक आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये हिंसक आंदोलन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अधिकारों के लिए ना होकर अपने एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के लिए था। क्यों? क्योंकि LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इलम का मतलब होता है देश, ठीक है। मतलब ऐसे देश के निर्माण के लिए आंदोलन जिसमें तमिल लोग रहे, ठीक है। तो मतलब क्या है, LTTE श्रीलंका को तोड़कर दो भाग बनाना चाहती है, या दो देश बनाना चाहती है, एक श्रीलंका और एक तमिल देश, ठीक है। अब भारत के लिए स्थिति गंभीर, क्यों? क्योंकि अगर भारत LTTE का समर्थन करता है, जो कि नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आतंकवादी संगठन है, ठीक है, हिंसक विद्रोह कर रहा है ना, सशस्त्र विद्रोह कर रहा है, तो भारत समर्थन बिल्कुल नहीं करने वाला है, किसी भी आतंकवादियों के साथ भारत बात ही नहीं करता है, राइट। बट और अगर भारत श्रीलंकाई सरकार की तरफ से LTTE का दमन करता है, तो तमिल भारत में भी रहते हैं, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, उनकी भावनाएं आहत होगी, ठीक है। हो सकता है वो भी भारत के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दे, तो भारत के लिए स्थिति गंभीर। और अगर LTTE की तरफ से श्रीलंका की सरकार से बात करता है, तो कहीं ना कहीं भारत और श्रीलंका के संबंध खराब होंगे, राइट। इसीलिए इंदिरा के कार्यकाल के दौरान, शुरुआती कार्यकाल के दौरान, इंदिरा द्वारा कोई ये कहा जाए कोई ध्यान नहीं दिया गया। बट जब इंदिरा दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी, मतलब दूसरा काल खंड शुरू हुआ इंदिरा का 1980 से लेकर 1984 का, इस दौरान स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, ठीक है। और गंभीर इसलिए हो गई क्योंकि 1983 में एग्जैक्ट डेट 26 जुलाई LTTE द्वारा, लिट्टे द्वारा श्रीलंका के 13 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई, और वहां से श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। और उस गृह युद्ध का परिणाम ये निकला कि फिर से भारत में शरणार्थी संकट गहराना शुरू हो गया, क्योंकि श्रीलंका से अगर तमिल के विरुद्ध कार्रवाई करती है श्रीलंका सरकार, तो वहां से अगर कोई भागेगा तो आएगा कहां, समुद्र पार करके भारत ही तो आएगा, ठीक है। और समुद्र पार करके जब भारत आएगा, तो भारत का कौन सा प्रदेश है, तमिलनाडु, वो लोग खुले हृदय से स्वागत करेगा, क्योंकि वो भी तमिल, वो भी तमिल भाई भाई, राइट। तो भारत के लिए स्थिति और ज्यादा गंभीर बन जाएगी, ऐसी स्थिति में भारत के लिए हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाएगा। बट इससे पहले कि कोई रणनीति बने, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाएगी, तो ये संकट इंदिरा गांधी नहीं सुलझा पाई। डन, ये दूसरा काम था जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू हुआ, इसको राजीव गांधी के कार्यकाल में पूरा करेंगे, ठीक है। डन, जो तीसरा प्रमुख विचार या तीसरे प्रमुख घटनाक्रम जो इंदिरा के कार्यकाल के दौरान हुआ था, वो था परमाणु कार्यक्रम। आप समझना, हाँ बेटा बोलो,
जो दूसरे कार्यकाल के दौरान बताया था। तमिल संकट समझ में आया? जो तमिल का संकट था, पहले शरणार्थी संकट था, बाद में यही शरणार्थी संकट 1983 में व्यासी लिख दिया। 1983 बेटा, 1983 में यही शरणार्थी संकट और ज्यादा गहरा हो गया बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि समझना, ये इंदिरा के दो कालखंड बताए मैंने, 66 से लेके 77 तक और फिर 80 से लेके 84 तक। तो ये इंदिरा के दूसरे कालखंड के दौरान है, और इस दूसरे कालखंड में क्या है, 1983 में श्रीलंका में श्रीलंकाई सरकार और तमिल विद्रोहियों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया था, और ये गृह युद्ध चलेगा 4 साल, 87 तक, ठीक है। बट जब ये गृह युद्ध शुरू हुआ तब कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। तो इंदिरा के लिए आवश्यक था कि वो इस संकट का हल निकाले। क्यों? क्योंकि इस गृह युद्ध की वजह से बड़ी संख्या में जो तमिल शरणार्थी थे वो भारत में प्रवेश कर रहे हैं। यहां से तमिलनाडु आएंगे, जब वो तमिलनाडु आएंगे तो तमिलनाडु की जो सरकार होगी वो उन लोगों का स्वागत करेगी, ठीक है, उन्हें मना नहीं करेगी। स्थिति गंभीर भारत के लिए, ठीक है। बट इससे पहले कि इंदिरा कुछ निर्णय ले पाए, इंदिरा की हत्या कर दी गई। किस वजह से? ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, ठीक है, एसपीजी की सेना को इंदिरा गांधी द्वारा प्रवेश करने के आदेश दिए गए थे, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर में हथियारों के साथ प्रवेश करना वर्जित है। किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक परिसर में हथियारों के साथ प्रवेश करने पे प्रतिबंध ही होते हैं, ठीक है। बट क्योंकि वो राष्ट्र का मुद्दा था, ठीक है, राष्ट्रीय हित का या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, इंदिरा गांधी द्वारा यह आदेश दिया गया कि सेना प्रवेश करेगी स्वर्ण मंदिर में भी। और क्यों प्रवेश करना था? क्योंकि पंजाब में उस समय एक नया आंदोलन चल रहा था, खालिस्तान। पंजाब एक अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था, खालिस्तान, ठीक है। और वही खालिस्तान समर्थक आतंकवादी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए थे, उन्हें ढूंढने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा यह आदेश दिया गया, जिससे सिखों की भावना आहत हुई, ठीक है। बट इंदिरा को लगा कि यह राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण है तो किया जाना चाहिए। उसके बाद भारत की जो सिक्योरिटी सर्विसेज है उन्होंने इंदिरा से यह भी कहा था कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, आप अपने बॉडीगार्ड्स को हटा दीजिए, क्योंकि वो सिख समुदाय से है और हमारी जानकारी के अनुसार ये है कि आपकी हत्या की जा सकती है। बट इंदिरा गांधी ने साफ मना कर दिया कि मैं उन्हें नहीं हटाऊंगी। क्यों? क्योंकि स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने का आदेश एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न था। अगर मैं अपने बॉडीगार्ड्स को हटाती हूं तो ये प्रदर्शित करेगा कि मेरी दुश्मनी उस समुदाय से है, ना कि राष्ट्रीय हित के लिए मैंने ये कदम उठाया था। इसलिए इंदिरा गांधी ने उन दो बॉडीगार्ड्स को नहीं हटाया, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ पहनना शुरू कर दिया था, बट वो एक ही समय पे बुलेट प्रूफ नहीं पहनती थी, ठीक है, जब वो मंदिर जाती थी। अपने ही आवासीय परिसर में एक मंदिर बना रखा था, उस मंदिर में जब वो जाती थी तब वो बुलेट प्रूफ नहीं पहनती थी, और उसी दौरान उस मंदिर से लौटते हुए इंदिरा गांधी की हत्या की गई उन्हीं सिख अंगरक्षकों द्वारा, ठीक है। तो वो था इंदिरा गांधी का कार्यकाल, ठीक है। कहने को बेवकूफी भी है, ठीक है, जब पता है कि हत्या हो सकती है तो क्यों ऐसा करना। बट वो व्यक्तित्व ऐसा था कि राष्ट्रहित में अगर फैसला लिया है तो उसके प्रभाव निजी नहीं समझने जाने चाहिए, वो एक संदेश दिया जाना चाहिए। तो ये तो था इंदिरा गांधी का अंत। बट इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल के दौरान
एक और घटनाक्रम देखने को मिलता है जिसकी शुरुआत नेहरू के समय से हुई। ठीक है, 1964 में चीन द्वारा परमाणु विस्फोट किया गया। ठीक है, और चीन परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। ऐसी स्थिति में जब भारत और चीन के बीच युद्ध 2 साल पहले ही हुआ है और चीन परमाणु शक्ति हासिल करेगा, तो क्या भारत के लिए ये चिंता नहीं निर्मित होगी कि भारत के एक शत्रु देश ने अपने लिए परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए, तो क्या भारत आणविक शक्ति की दिशा में प्रयास करना शुरू नहीं करेगा? करेगा। तो वही भारत जो 1950 के दशक से आणविक शक्ति को सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझ रहा था, अब वही भारत 1964 के बाद इसी आणविक शक्ति के का प्रयोग हथियार निर्माण में करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो भारत के 2 रिएक्टर्स थे बेटा बॉम्बे में, जो आज भी है, एक डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अप्सरा और कामिनी। ठीक है, यहां पे परमाणु ईंधन आ रहा था कहां से? कनाडा से। ठीक है, तो हमने क्या किया, वहां से थोड़ा थोड़ा परमाणु ईंधन चुराना शुरू किया, क्योंकि जो ईंधन आ रहा है वो निगरानी में आ रहा है, ईंधन आ रहा है उस पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और जो भी उत्पाद निकल रहा है, बाय प्रोडक्ट जो निकल रहा है, वो कनाडा वापस जा रहा है। डन, ये रूल है। क्यों? क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट होता है वो भी न्यूक्लियर एनर्जी से परिपूर्ण होता है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है परमाणु हथियार बनाने में। इसीलिए क्या किया है, जो परमाणु ईंधन आ रहा था वो उपयोग के बाद जो भी उसका सह उत्पाद निर्मित हो रहा था वो वापस कनाडा भेजा जा रहा था, बट भारत ने क्या किया, धीरे धीरे उसमें से थोड़ा थोड़ा चुराना शुरू कर दिया। और उसके बाद अंततः 1974 में भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया, राइट? और इस परमाणु विस्फोट के परिणाम स्वरूप भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, बट क्योंकि हमारी इस समय तक रूस के साथ दोस्ती अच्छी हो गई थी, 1971 का मित्रता संधि हम साइन कर चुके थे, तो उन आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव भारत पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा। डन, बट यहां पर भी विस्फोट करने के बाद भी भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत ने वो क्षमता अर्जित नहीं की थी, राइट? तो ये था इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हुए थे। ठीक है, तो इन घटनाक्रम को देखकर हम क्या समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी पूरी तरीके से यथास्थिति को समझ रख रही थी और समझने के बाद उस अनुसार निर्णय कर रही थी। क्यों? क्योंकि चीन का परमाणु शक्ति संपन्न होना भारत के लिए चिंता का विषय था। ऐसी स्थिति में अगर भारत परमाणु शक्ति संपन्न न बने तो हमेशा चीन का दबदबा रहेगा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, उसके लिए भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनना ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो परमाणु शक्ति की ओर अग्रसर हुआ। पाकिस्तान घटनाक्रम में ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो स्थिति थी वो भारत के पक्ष में थी। ठीक है, और पाकिस्तान की समस्या को आधा सुलझाने में ये घटनाक्रम पूरी तरीके से उपयोगी था, बट यहां पर इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप से पहले इंदिरा गांधी द्वारा पश्चिमी विश्व का समर्थन प्राप्त करना ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं बेशक हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक आरोहण, जो राजनीतिक रूप से वो सत्ता पे काबिज हुई, वो प्रश्न चिन्ह में है, सवालों के दायरे में है, बट प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनके कार्य रहे हैं वो भारतीय विदेश नीति में उत्कृष्ट और यथार्थवादी रहे, कहा जा सकता है।
ठीक है, भारत को एक मजबूत विदेश नीति वाला देश के रूप में स्थापित करने में इंदिरा गांधी का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डन, ये था इंदिरा का कालक्रम। ठीक है, इस इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एक और घटनाक्रम हुआ है, वो हुआ है 1979 में, जब अफगानिस्तान में संकट उत्पन्न हुआ था। बट अफगानिस्तान का संकट यहां नहीं समझाऊंगा तुम लोगों को, अफगानिस्तान का संकट तब समझाऊंगा जब भारत अफगानिस्तान पढ़ाऊंगा तब, क्योंकि उससे पहले वो घटनाक्रम समझना होगा कि अफगानिस्तान की स्थिति क्या थी। डन, तो याद रखना कि अफगानिस्तान में जो संकट पढ़ाऊंगा, अफगान संकट, वो भी इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल में शुरू हुआ था। डन, क्लियर है? इंदिरा गांधी का कार्यकाल समझ में आ गया? अब कल पढ़ेंगे राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव, उसके बाद गुजराल साहब, उसके बाद वाजपेयी साहब, और फिर उसके बाद अगर समय बचा, जो लगता है कि बच ही जाएगा, मनमोहन सिंह कर लेंगे। ठीक है, लिखे नहीं तुमने? शाबाश 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 बेटा ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं फिर। वेलकम बेटा।